यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में मौसम में बदलाव के कारण चंबा में भारी बर्फबारी हुई है। इलाके में 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई है और वहीं भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और कई इलाकों में एवलांच का खतरा होने के कारण सैलानियों को साच पास की तरफ नहीं जाने की हिदायतें भी दी गई हैं। तो चंबा में भारी बर्फबारी हुई है, करीब 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई, जिसको देखते हुए एवलांच के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में सैलानियों को साच पास की तरफ नहीं जाने की हिदायतें भी दी गई हैं। तो चंबा से ये खबर है जहां पर बीते दिन करीब 6 इंच तक बर्फ जमा हुई, हिमपात हुआ और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है और प्रशासन ने आपको बता दें कि साच पास की तरफ सैलानियों को नहीं जाने की हिदायतें भी दी हैं। एवलांच का खतरा भी बना हुआ है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, मंजूर पठान हमारे संवाददाता चंबा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंजूर, आज अगर हम मौसम की बात करें तो किस तरह से मौसम नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज का मौसम है, आज मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, आसमान बिल्कुल आज धूप खिली हुई आसमान में, वो पूरी तरह से मौसम साफ हो चुका है। हालांकि अगर हम साच पास की बात करें, साच पास जो है अभी भी एवलांच गिरने का खतरा है, ऐसे में जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। खास कर तीसरा जो प्रशासन ने उसने अलर्ट जारी किया है और खास का जो निर्देश दिए गए हैं पुलिस को दिए गए और पीडब्ल्यू विभाग को कहा गया कि कोई भी साच तरफ की और जो है कोई सैलानी और खासकर आम आदमी न जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में जो खासकर जब मौसम साफ हो जाता है उस टाइम जो है एवलांच गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता है। जी मंजूर, आपने कहा कि आज मौसम साफ है, ऐसे में क्या साच पास की तरफ जो ना जाने की हिदायतें दी गई थी, वहां पर जो रोक लगाई गई थी, क्या उसको अब खोल दिया गया है, वहां जा सकते हैं सैलानी अब? नहीं, बिल्कुल मौसम साफ, अभी तक 4 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जब तक मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता तब तक वहां जाने की मनाही है। ऐसे में क्योंकि जब मौसम साफ होता है बर्फबारी के बाद तो आखिर खतरा बढ़ जाता है एवलांच गिरने का, तो ऐसे में जो है सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरफ कोई सैलानी और खासकर जो आम आदमी ना जाए, क्योंकि इससे जो है किसी को नुकसान हो सकता है खासकर। जी मंजूर, इसके साथ ही क्योंकि साच पास की तरफ सैलानियों को ना जाने की हिदायतें दी गई है, ऐसे में क्यों इतना सेंसिटिव एरिया है साच पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहतांग दर्रे के बाद सबसे ऊंचा अगर हिमाचल प्रदेश कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो साच पास है, क्योंकि अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें, रोहतांग दर्रा जो है 3500 फीट की ऊंचाई बस्ती, अगर हम चंबा के साच पास की बात करें, साच पास जो है 14500 फीट की ऊंचाई बस्ती तक, ऐसे में जो है हाइट ज्यादा है, हाइट की वजह से जो है एवलांच गिरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये एहतियात के तौर पर जो है निर्देश दिए गए, क्योंकि जो मौसम साफ हो जाता है बर्फबारी के बाद तो एवलांच गिरने का खतरा बढ़ जाता है, तो हाइट ज्यादा उसके कारण जो है ऐसा फैसला लिया गया है। जी, अब एवलांच का खतरा बना हुआ है, ऐसे में प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं एवलांच से निपटने के लिए, क्योंकि पहले से ही जो है प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है मंजूर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साच पास के आगे जो पांगी घाटी है, चंबा जिला का सबसे बैकवर्ड एरिया एक सब डिविजन है पांगी, उसमें जो है इसी रास्ते से आगे जाता है, लेकिन जब ये रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ पे कम से कम 20-25 फुट बर्फबारी हर साल गिरती है, बर्फ गिरती है, और अभी जो हाल ही है ये रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट जो होता है वो देखने को जाता है साच पास, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, तो हर कोई चाहता है कि इस खूबसूरत वादियों का दीदार करें। लेकिन अभी जो फिलहाल दोबारा बर्फबारी हुई है, जो परसों या कल बर्फबारी हुई है, तो ये 1 फुट के आसपास बर्फबारी हुई, उसके बाद जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है खासकर 4 दिन का, और 4 दिन के बाद जो है एहतियात तौर पर जो है ये फैसला लिया जाएगा कि आगे सैलानी को जाने भेजना है या नहीं भेजना है, इससे विचार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मंजूर पठान तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, एवलांच का खतरा बना हुआ है, हालांकि मौसम आज भले ही साफ है लेकिन खतरा भी टला नहीं है, मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ है और ऐसे में सैलानियों को हिदायतें दी गई हैं कि वो साच पास की तरफ ना जाए। रोहतांग दर्रे के बाद में सेंसिटिव एरिया जो है साच पास है, काफी ऊंचाई पर है, ऐसे में खतरा वहां पर ज्यादा बना होता है और इसके चलते सैलानियों को साच पास की तरफ ना जाने की हिदायतें दी गई हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और बीते दिन ही हिमपात काफी भारी मात्रा में हुआ, 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई, जिसके बाद एवलांच का खतरा भी बना हुआ है। जब बर्फबारी होती है उसके बाद में एवलांच का खतरा भी साथ ही बना होता है और ऐसे में इसी खतरे को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सैलानियों के लिए हिदायतें खास तौर पर हैं कि वो साच पास की तरफ ना जाएं जब तक कि पूरी तरह से मौसम साफ नहीं हो जाता है।